गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज मयूरी कश्यप बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एन सी आर टी के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ इन्वायॉयरमेंटल इशूज़ जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ठीक है ना हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा है एक्चुअली में वो क्या है इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं ठीक है सो so, हमने इकोलॉजी के तीन चैप्टर को ख़त्म कर दिया है सबसे पहला हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन सेकेंड चैप्टर इज इको एंड थर्ड वन इज़ इन्वायॉयमेंटल इशूज़ ठीक है एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं व्हाट इज़ बायो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होता क्या है बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है अगर नाम से ही देखा जाए तो बायो मतलब क्या लिविंग लाइफ डाइवर्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है कॉम्प्लेक्सिटी है उसे ही हम क्या बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी जैसे अगर हम पर्टिकुलर एक पॉन्ड की बात करें तो एक पॉन्ड के अंदर आपको एनिमल्स भी देखने को मिलता है इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बर्ड्स एवरीथिंग ठीक है birds, ना तो ये जो एक इकोसिस्टम के अंदर आपको अलग अलग तरह के स्पीसीज़ देखने को मिल रहे हैं। या अगर हम एक रूम की बात करें तो एक रूम में अगर हम जिस रूम में अभी हैं उस रूम में आपको ही बहुत सारे स्पीसीज़ मिल जाएंगे जैसे ह्यूमंस एक तो हम सेपियंस दूसरा माउस यानी रैट वगैरह आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स भी मिलेंगे फॉर एग्जांपल कॉकरोच मॉस्क्यूटो ठीक है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह तो ऑलरेडी हर जगह प्रेजेंट है ठीक है ना तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसे ही हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ठीक है so, सो अब हम ये समझते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को कि बायोडाइवर्सिटी है क्या और इसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं ठीक है ना तो बायो इज़ हेट्रोजीनिटी एट ऑल दी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है कि हर लेवल्स पे, जैसे अगर हम बात करेंगे आगे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हर लेवल्स पे जो अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी यानी हाइट्रोजीनिटी आपको देखने को मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी सिंपल एक सेंटेंस में हम बोलेंगे इट इज़ रिचनेस ऑफ स्पीसीज़ यानी स्पीसीज़ का जो रिचनेस आपको देखने को मिल रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं समझ आ रही है बात ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला लेवल आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी डायवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल जेनेटिक लेवल पे अगर हम बात करें जेनेटिक कहने का मतलब एक पर्टिकुलर जीन की बात करते हैं जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो में क्या होता है आपको अलग अलग तरह के वैरायटी देखने को मिलते हैं है ना तो कितने हैं तो लगभग एक हज़ार स्ट्रेन प्रजेंट हैं मैंगो के उसी तरह राइस आपको ऐसा तो नहीं होता ना हर तो मतलब जो मैंगो होता है वो आपको सेम मिलता है नहीं ना मैंगो एक स्पीसीज़ है लेकिन उसके अंदर ही आपको अलग अलग तरह के जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है है ना फिर अगर हम राइस की बात करें तो राइस के आपको फिफ्टी थाउजेंड स्ट्रेन देखने को मिलते हैं ठीक है उसी तरह राफिया वोमिटेरिया के अंदर डाइवर्सिटी किस में देखने को मिल रहा है पोटेंशियल कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रिजर्विन यानी रिजर्विन केमिकल का जो कंसनट्रेशन है वो क्या रहता है इसमें आपको देख चेंजेज उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है ठीक है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी जीन लेवल पर अगर बात करें ठीक है सो तो पहला लेवल हमने देख लिया जेनेटिक डाइवर्सिटी दूसरा हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको अलग अलग तरह के स्पीसीज देखने को मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी ठीक है यानी डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो एम्फीबियंस के ज़्यादा स्पीसीज कहाँ प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट पे ईस्टर्न घाट पे कम है तो ये कैसा डाइवर्सिटी हुआ ये हुआ स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी एम्फीबियंस के ज़्यादा डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट पर है तो ईस्टर्न घाट पर थोड़े कम है तो रिचनेस एम्फीबियंस का कहाँ है वेस्टर्न घाट पर है ईस्टर्न घाट पर कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी समझ में आ गई बात यहीं अगर एम्फीबियंस के अलग अलग वेराइटीज़ मिलेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी समझ में आ गई बात ठीक है सो पहला हमने देखा जेनेटिक डायवर्सिटी और दूसरा हम देख रहे हैं स्पीसीज डायवर्सिटी क्लियर बात थर्ड जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी एट इको लेवल या बोल सकते हो कम्युनिटी लेवल यानी एकोसिसटम लेवल या कम्युनिटी लेवल पे जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है इंडिया हैज़ ग्रेटर एको सिस्टम डाइवर्सिटी दैन नॉर्वे इंडिया का क्या है एकोसस्टम डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉर्वे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हम लोग को थोड़ा देर पहले पढ़ा था एक पॉन्ड इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे तरह के एसपी देखे थे तो ये जो डाइवर्सिटी हम बात कर रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर यही डाइवर्सिटी क्या कहलाएगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो इको लेवल पर बात या कम्यूनिटी लेवल अब कम्यूनिटी क्या है ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पूछने वाली बात ही नहीं है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या दो अलग अलग कम्युनिटी में या बहुत सारे कम्युनिटी के अंदर आपको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में वन इज़ अल्फ़ा डाइवर्सिटी अगर आप एक ही कम्युनिटी के अंदर की डाइवर्सिटी की बात करेंगे इन कम्युनिटी बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्लियर दूसरा आ जाता है बीटा डाइवर्सिटी यानी अगर हम दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच के डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे बीटा डायवर्सिटी एंड अगर हम बहुत सारे कम्युनिटी यानी एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया के डायवर्सिटी की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तीन टाइप का होता है वन इज़ अल्फ़ा डाइवर्सिटी दूसरा बीटा डाइवर्सिटी एंड तीसरा गावा डाइवर्सिटी क्लियर अल्फा डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी बीटा डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी एंड गामा डाइवर्सिटी यानी अगर हम लार्ज जोग्राफिकल एरिया में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो दैट डाइवर्सिटी इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल गामा डाइवर्सिटी ठीक है सो तो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के अंदर तीन अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी देखे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहला जेनेटिक लेवल दूसरा स्पीसीज लेवल एंड तीसरा हमने देखा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझ में आ गई बात अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में कितने स्पीसीज़ हैं जो हमारे इन्वामेंट में प्रजेंट है ठीक है रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्टीमेशन निकाला था स्पीसीज़ का ठीक है तो इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं रॉबर्ट में एस्टिमेशन ऑफ स्पीसीज़ उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज इस्टीमेटेड यानी जितने स्पीसीज़ लगा जो इस्टीमेट निकाला गया कि कितने स्पीसीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो पता चला सेवन मिलियन कितने स्पीसीज़ हैं सेवन मिलियन इन सेवन मिलियन स्पीसीज़ में से जितने स्पीसीज़ के बारे में हम जानते हैं मतलब जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कितने हैं वन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट सेवन मिलियन यानी सेवन मिलियन में से सिर्फ वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट सेवन मिलियन स्पीसीज के बारे में ही हम जानते हैं बाकी स्पीसीज़ अभी तक फाउंड नहीं हुए हैं ठीक है ना अब इनमें से जो एनिमल स्पीसीज़ है वो कितने हैं सत्तर परसेंट से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टोटल टोटल से टोटल में सेवेंटी परसेंट से, से ज़्यादा क्या है एनिमल स्पीसीज़ हैं अब इन एनिमल स्पीसीज़ में सेवेंटी परसेंट क्या है इंसेक्ट स्पीसीज़ यानी नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल एनिमल यानी जो एनिमल हैं टोटल उनका सत्तर परसेंट क्या है इंसेक्ट स्पीसीज हैं और अगर प्लांट स्पीसीज की बात की जाए तो नॉट मोर देन ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ़ द टोटल यानी प्लांट स्पीसीज बाईस परसेंट से ज़्यादा नहीं है क्लियर बात ठीक है फंग Fung, फंगी के स्पीसीज कितने हैं मोर देन वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स जितने हैं उससे ज़्यादा फंगी के स्पीसीज है एंड बैक्टीरिया नॉट इंक्लूडेड इन दिस एस्टीमेशन बैक्टीरिया को इस एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया गया अब हम ये तो पूरे हमारे अर्थ की बात हो गई अगर हम इंडिया की बात करें से इंडिया एक चीज़ याद रखिएगा इंडिया इज़ वन ऑफ द ट्वेल्थ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो पोजीशन है डाइवर्सिटी के मामले में दैट इज़ ट्वेल्थ पोजीशन ठीक है इंडिया के पास जो लैंड एरिया है टोटल वो कितना है टू पॉइंट फाइव परसेंट यानी पूरे लैंड एरिया का सिर्फ दो पॉइंट चार परसेंट इंडिया के पास है बायोडाइवर्सिटी कितना है पूरे का एट पॉइंट वन परसेंट है प्लांट स्पीसीज कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड तो एनिमल स्पीसीज उसका दोगुना है नाइन्टी थाउजेंड ठीक है तो ये जो स्टिवेसन है ये किसका है रॉबर्ट का इस्टीमेसन है एन के अंदर टू पेज नंबर टू हंड्रेड सिक्सटी में अगर आप देखिएगा तो आपको ये डायग्राम मिलेगा इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो इनवर्टिब्रेड्स की अगर हम बात करें इंसेक्ट्स का अमाउंट अगर आप देखें तो बहुत है ना ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट क्या है सेवेंटी परसेंट जो है सेवेंटी परसेंट एनिमल के स्पीशीज में से इंसेक्ट का स्पीशीज इतना है फिर मोलस्क देखिए थोड़ा सा है इंसेक्ट्स के बाद अदर एनिमल्स के ग्रुप ज़्यादा हैं ठीक है थीके? फिर मोलस्क का है एंड सबसे कम किसका है क्रिस्टेशन का है समझ में आ रही है बात वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो फिशेस का फिफ्टी पर फिश क्या है फ़िफ्टी परसेंट है पूरे वर्टिब्रेट्स में मैमल्स तो नहीं फिशेस के बाद जो किसका नंबर ज़्यादा आ रहा है रेप्टाइल्स का ठीक है Rep नहीं रेप्टाइल से भी पहले किसका है बर्ड्स का बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के बाद आपको एम्फीबियंस का नंबर दिख रहा है एंड देन मैमल्स का नंबर है ठीक है और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्या है तो आई थिंक प्लांट में सबसे ज़्यादा आपको इधर फंगी देखने को मिल रहा है एनजूस फॉर्म एंड देन बाकी अदर अलगी मिल रहा है देन आपको मॉसेस मिल रहा है देन फॉन्स एंड एनालीज एंड लाइक ठीक है तो ये है आपका स्पीसीज़ जो हमने डेटा अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा रॉबर्ट मे का आपको वही डेटा याद रखना है ज़्यादा इजी होता है इसलिए हम लोगों ने उसको आ, एक परसेंटेज के फॉर्म में एवरेज परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया ठीक है ना सो so, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडावर्सिटी प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टाइग्स ऑफ प्लांट इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट ठीक है ना सो so, ये डेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए समझ में आ गई बात फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं रॉबर्ट मे के हिसाब से इस्टिमेट कितना किया गया था स्पीसीज सेवन मिलियन आइडेंटिफाई कितना हुआ वन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट सेवन मिलियन एनिमल स्पीसीज कितने हैं ग्रेटर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टोटल इंसेक्ट स्पीसीज़ कितने हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल एनिमल प्लान्टपीसीज बाईस परसेंट से ज़्यादा नहीं है इंसेक्ट स्पीसीज ट्वेंटी टू परसेंट से ज़्यादा नहीं है फंगी के स्पीसीज वर्टीब्रेड से ज़्यादा हैं मतलब जितने पूरे वर्टिब्रेट्स होंगे उनसे ज़्यादा फंगी का स्पीसीज़ है बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया गया है एस्टिमेशन में ठीक है ना समझ में आ रही बात सो so, और ये यहाँ पे हमने इंडिया के डायवर्सिटी की बात की है समझ में आ रहा है बात सो so, ये सब क्या है ये रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैटर्नस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एन के अंदर अगर आप देखिएगा बायोडाइवर्सिटी में तो आपको एक एक करके समझाया है पैटर्न ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी हम लोग सिंपल टर्म्स में इनको समझेंगे ठीक है इसको समझने के बाद आप एन पढ़ेगा आपको ईजी वे में समझ में आएगा पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का दैट इज़ लैटीट्यूडनल पैटर्न इसमें अगर देखिए इक्वेटर पोजिशन पर अगर आप देखिए अगर हम बर्ड स्पीसीज की बात करें तो कितना दिख रहा है फोर्टीन न्यूयॉर्क यानी 41 डिग्री नॉर्थ पे बात करते हैं तो 105 बर्ड स्पीसीज एंड और ज़्यादा अगर आप एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड्स पे जाइए तो ग्रीन लैंड क्या दिख रहा है 56 सिक्स बर्ड स्पीसीज़ तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो आपको नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं इक्वेटर पे फिर इक्वेटर से जैसे आप ऊपर बढ़िएगा इस्पीसी का नंबर घट गया कितना बहुत ज़्यादा ना चौदह से एक हो गया ठीक है अब और ऊपर जाइए तो 105 से क्या कितना हो गया 56 सिक्स समझ में आ रही है बात तो ये जो पैटर्न है इस पैटर्न से आपको ये क्या समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा होगा कि इक्वेटर पोजिशन पे स्पीसीज़ का नंबर ज़्यादा होता है और हायर एल्टीट्यूड्स पे कम होता है अब इसका रीज़न देखते हैं रीज़न ऑफ मैक्सिमम डाइवर्सिटी एट इक्वेटर इक्वेटर पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलता है पहली चीज़ तो इक्वेटर पे क्या है यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द है इक्वेटर पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता यानी अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे पूरे साल क्या रहता है एक ही टेम्परेचर रहता है यानी ऐसा नहीं होगा कि इक्वेटर पोजीशन पे गर्मी है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए बहुत कम गर्मी रहे मतलब एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है पूरे ईयर इस कारण टेम्परेचर uh, में स्टेबिलिटी के कारण जो स्पीसीज़ के स्टेबल रहने के चांसेस है वो वहाँ ज़्यादा होते हैं दूसरा पास्ट में कोई ग्लेसिएशन वहाँ नहीं देखने को मिलता है एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैक्सिमम सोलर एनर्जी जहाँ अवेलेबल होगा वहीं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा तो इक्वेटर पे सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो मोर सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई बात सो so, तीन इंपॉर्टेंट रीज़न है पहला तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट दी एयर दूसरा ग्लैस नो ग्लैसे द पास्ट एंड मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल रिजल्टिंग इन हाई प्रोडक्टिविटी ठीक है दूसरा पैटर्न हम देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था ए वी हमबॉल्ट बहुत बार क्वेश्चन आया है इस ग्राफ से बेसिकली ये ग्राफ एनसीआर में भी दिया गया है Y एक्सिस पे हमने रखा है स्पीसीज रिचनेस को और यहाँ हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं एरिया को ठीक है बोला ये गया है इस ग्राफ के कारण कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज़ का रिचनेस बढ़ता जाता है ही बात है अगर आप एरिया बढ़ाइएगा तो स्पीसीज़ का रिचनेस भी क्या होगा बढ़ेगा ना अब एक छोटे से एरिया में स्पीसीज़ की बात करें और एक बड़े से एरिया में तो किस में ज़्यादा होगा बड़े से एरिया में ठीक है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यही समझाया गया कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाइएगा वैसे वैसे स्पीसीज़ का जो नंबर है वो बढ़ेगा बट एक सर्टेन लिमिट तक ठीक है ना सो so, इस इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना? और इसके अकॉर्डिंग यहाँ आप देख रहे होंगे हम लोग लिखे एस इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर जेड यहाँ एस क्या है स्पीसीज का रिचनेस सी वाई इंटरसेप्ट है ए एक्सप्लोडेड एरिया है और Z क्या है रिग्रेशन कॉफिशियंट या बोल सकते हो स्लिपनेस ऑफ दी स्लो अगर आप एन में ये डायग्राम दिया है उसको और क्लियरली आप देखिएगा इस ग्राफ से बस यही समझाया गया है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज का रिचनेस बढ़ता है बट एक सर्टेन लिमिट तक थियोरेटिकली अब हम यहाँ समझते हैं स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू दी लिमिट बिकॉज ऐसा क्यों बियॉन्ड लिमिटेड एरिया क्लाइमेटिक वेरिएशन अफेक्ट स्पीसीज रिचनेस है ना अगर आप एक लिमिट तक ही क्या बढ़ेगा स्पीसीज का रिचनेस बढ़ेगा क्योंकि अगर आप बियोन्ड द लिमिट जाएंगे तो क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा और क्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण स्पीसीज का रिचनेस इफेक्ट होता है हम ये जानते हैं ठीक है ना सो स्पीसीज़ रिचनेस इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक्सप्लोडेड एरिया बट अप टू द लिमिट बिकॉज बियोन्ड लिमिट एरिया क्लाइमेटिक वेरिएशन अफेक्ट स्पीसीज रिचनेस ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर स्मॉल एरिया इज़ जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू बट इट इज़ इट बिकम जीरो पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट टू फॉर लार्ज एरिया मतलब अगर हम जेड के वैल्यू की बात करें वॉट इज जेड जेड अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे ना क्या है जेड यहाँ रिग्रेशन कोफिशेंट यानी स्लीपनेस ऑफ द स्लो तो अगर हम जेड की बात करें सो so, अगर एक छोटे एरिया में अगर हम बात करते हैं तो कितना है जीरो पॉइंट वन से ज़ीरो पॉइंट टू लेकिन अगर हम लार्ज एरिया की बात करते हैं जीरो पॉइंट टू टू वन पॉइंट टू फॉर लार्ज एरिया दैट इज़ फॉर इंटायर कॉन्टिनेंट ठीक है एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ जेड हैज़ बीन फाउंड टू बी वन पॉइंट वन फाइव फॉर मैमल्स जो जेड का वैल्यू था मैमल्स के लिए कितना था वन पॉइंट वन फाइव एंड फ्रूगी वोरस बर्ड्स के लिए कितना था ट्रॉपिकल रीजनस uh, के अंदर ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट कहने का मतलब कि अगर हम एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें यानी वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि कैसा है ट्रॉपिकल अगर रीजंस की बात करें तो सारे ट्रॉपिकल रीज़न अलग अलग कॉन्टिनेंट के सारे ट्रॉपिकल रीज़न में मैमल्स और फ्रूगी वोरस वर्ड का जो जेड है वो क्या है सेम है 1.15 समझ में आ रही बात कहने का मतलब यही है कि अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करेंगे तो स्पीसीज़ का रिचनेस इफेक्ट होता है इसीलिए बोला गया है कि स्पीसीज़ रिचनेस इंक्रीज़ होगा अगर आप एरिया बढ़ाते हो बट एक लिमिट तक क्योंकि लिमिट के बाद क्या हुआ क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलता है जिसके कारण स्पीसीज़ का रिचनेस इफ़ेक्ट होता है क्लियर बात ठीक है अब हम बात करेंगे द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनएसेंशियल स्पीसीज विल नॉट बैडली इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इको यानी वैसा स्पीसीज जिसका ज़रूरत ज़्यादा नहीं है ठीक है ना बट उनको अगर आप क्या करते हैं इको से हटाते हैं ठीक है ठीके? तो उसके कारण जो स्टेबिलिटी हमारे इको का वो डिस्टर्ब नहीं होगा बट एलिमिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर स्पीसीज विच आर ड्राइविंग द इको सिस्टम विल इफेक्ट पैर लेकिन अगर आप इको सिस्टम से प्रोड्यूसर को हटा देते हो तो वो बैडली हमारे इको सिस्टम को अफेक्ट करेगा समझ में आ रही बात यानी कहने का मतलब अगर हम एक नॉर्मल फूड चेन की बात करें ठीक है तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स कौन हो गए प्लांट ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स को कौन फीड कर रहा है हार्वीव हार्वीवर्स को कौन फीड कर रहा है कार्निवर्स ठीक है तो अगर मान लीजिए हम एक कार्निवोर्स को रिमूव कर दिए ठीक है एक स्पीसीज कार्निवोर्स के मान लीजिए किसी एक स्पीसीज को रिमूव कर दिए तो उससे हमारा इन्वामेंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा बट अगर हम प्रोड्यूसर को ही रिमूव कर देंगे तो प्रोड्यूसर को रिमूव करेंगे तो हार्विवर्स भी खत्म हो जाएंगे और कार्निवोर्स भी खत्म हो जाएंगे समझ में आ रही बात तो यही हाइपोथेसिस किसने दिया था राइवेट एंड पॉपर ने क्या बोला उन्होंने कि अगर आप अनएसेंशियल मतलब अनावश्यक स्पीसीज को रिमूव करते हैं हमारे इको से तो इको के स्टेबिलिटी में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बट अगर आप प्रोड्यूसर स्पीसीज को रिमूव करते हो तो उससे क्या होगा इको हमारा बैडली इफेक्ट होगा ठीक है समझ में आ गई बात ना अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का याद रखिएगा ये जो लॉस हम पढ़ने जा रहे हैं मतलब लगातार तीन साल चार साल से ये क्वेश्चन नीट में आ ही रहा है एक साल अगर गैप कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 2016 में 2018 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लॉस ऑफ डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का चार मेन रीजन है कौन कौन सा इसे हम एविल क्वार्टेट बोलते हैं फोर मेन रीजन में सबसे पहला आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन याद रखिएगा यही क्वेश्चन आया है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यानी हैबिटेट का लॉस समझ में आ ही रहा होगा आपको हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रीवियसली वॉज फोर्टीन परसेंट बट नाउ बिकम ओनली सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल लैंड मतलब पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना था फोर्टीन परसेंट अब कितना हो गया सिर्फ सिर्फ सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको अच्छे से पता होगा इस स्पीसीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ वहाँ प्रेजेंट है तो अगर चौदह परसेंट से छः परसेंट हो गया यानी हैबिटेट में क्या हुआ है बहुत सारी स्पीसीज़ के डिस्ट्रक्शन हुआ है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब कितना हो गया है छः परसेंट तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ना बायोडाइवर्सिटी का चौदह परसेंट से छः परसेंट में आ गया तो उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी स्पीसीज़ थे सबकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो गई कम हो गई ठीक है तो पहला जो होगा वो क्या होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एमजेन रेन फॉरेस्ट फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन एंड फार्मिंग सोयाबीन कल्टिवेशन या फार्मिंग के लिए पूरे के पूरे एमजेन रेन फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया डिस्ट्रक्ट कर दिया गया उससे भी बहुत सारे स्पीसीज का हैबिटेट का क्या हुआ लॉस हुआ ना ठीक है तो पहला बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का रीज़न क्या है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दूसरा ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर किसी भी चीज़ का ओवर बहुत ज़्यादा होता है ना ओवर कहने का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है चीज़ें खराब हो जाती हैं कॉन्फिडेंट है बहुत अच्छी बात है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ठीक है ना उसी तरह ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहने का मतलब एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पीजन एंड स्टीलर सी यानी यहाँ पे हो क्या रहा है ओवर एक्सप्लाइटेशन कहने का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं ओवर एक्सप्लाइटेशन मीन्स हमारे इन्वामेंट में जो भी स्पीसीज प्रजेंट हैं ठीक है हमें उससे फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन अगर वो फ़ायदा लालच में बदल जाए कहने का मतलब अगर हमें वो हम उसे ज़्यादा फीड करने लगे किसी चीज़ को तो क्या होगा वो ख़त्म होने लगेगा ना ठीक है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं ओवर एक्सप्लाटेशन तो ये जो एक्सटेंशन हुआ पैसेंजर पीजन यानी और स्टीलर शीकाउ का ये क्यों हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण तो इसे हम क्या बोलते हैं हो ओवर एक्सप्लाटेशन तो किसी चीज़ को अगर आप ज़्यादा फीड कीजिएगा तो क्या होगा ख़त्म हो जाएगा वो इन्वामेंट से तो इसके कारण भी क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तीसरा एलियन स्पीसीज़ इन्फेशन कहने का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नीले पर्च इन लेक विक्टोरिया रिजल्टिंग रिजल्टेड इन एक्सटेंशन ऑफ टू हंड्रेड वेराइटी ऑफ चिकलिड फिशेज कहने का मतलब मतलब एलियन स्पीसीज़ को आप नए इन्वायरमेंट में अपने इन्वामेंट में ला के डाल दे रहे हो यानी हो क्या गया नीले पर्च का इंट्रोडक्शन लेक विक्टोरिया में किया गया उसके कारण क्या हुआ जो लेक विक्टोरिया में चिचलिड फिशेज़ रहते थे उसके 200 वैरायटी का खात्मा हो गया किसके कारण नीले पर्च का तो ये क्या है ये भी क्या हो रहा है एक्सप्लाइटेशन हो रहा है ठीक है दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स लाइक वाटर हाई लेंटाना पार्थेनियम एक्सेट्रा रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी क्रॉप प्लांट का एक्सटेंशन हो गया जब आपने किसको इंट्रोड्यूस किया वीड्स को लाइक वाटर हाई वाटर हाईसेंथ में आ जाता है इकॉर्निया क्रेसिपस जिसे बोला जाता है टेरर ऑफ वेकॉन अगर आपको याद हो हम लोग पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में फिल लेंटाना पार्थेनियम एक्सेट्रा इन सब को जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा क्रॉप प्लांट का खात्मा हो जाता है ठीक है तो ये भी क्या है इसके कारण भी क्या हो रहा है हैबिटेट का लॉस हो रहा है ना क्लियर एंड अनदर रीजन ऑफ लॉस ऑफ इज़ को एक्सटेंशन कहने का मतलब एक्सटेंशन ऑफ वन स्पीसीज रिजल्टिंग इन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ अदर स्पीसीज जरा सोचिए अगर हमारे इन्वामेंट में हार्वीवर्स नहीं होंगे हार्वीवर्स नहीं होंगे तो उसे उसको फीड करने वाले जो कार्निवर्स है वो भी मर जाएंगे ना तो एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट है तो अगर एक स्पीसीज़ का एक्सटेंशन होता है उसके कारण ऑटोमेटिकली अपने आप अदर स्पीसीज़ का एक्सटेंशन हो जाता है इफ दे आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ठीक है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये एक तरह का एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एक दूसरे के कारण सरवाइव करते हैं जैसे इसमें बहुत सारे टाइप आ जाते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा म्यूचुअलिज्म इज अ केस ऑफ सिम्बाइटिक सिम्बाइसिस ठीक है तो सिम्बाइटिक एसोसिएशन इज़ कॉल्ड एज को एक्सटेंशन ठीक है एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज़ ऑफ लाइकेंस जैसे लाइकंस का जो एसोसिएशन है ठीक है इसमें क्या होगा अगर एक स्पीसीज खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्पीसीज भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा बात सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के चार मेन रीजन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दूसरा ओवर एक्सप्लाइटेशन तीसरा एलियन स्पीसीज इनवेशन एंड चौथा को एक्सटेंशन याद रखिएगा इन चारों पॉइंट्स को सो so, अब हम लोगों ने बात कर लिया बायोडाइवर्सिटी के बारे में अब हम बात करते हैं हाउ वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी ठीक है रीजंस सबसे पहला नॉर्वे यूटिलिटेरियन यानी बायो प्रोस्पेक्टिव यानी यूज़ ऑफ़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू अपटेन बेनिफिशियल प्रोडक्ट यानी यूज़फुल उपयोग चीज़ों बेनिफिशियल प्रोडक्ट को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कीजिए जेनेटिक लेवल का स्पीसीज लेवल का इन सारे लेवल्स का यूज़ करके यानि लिविंग बायोटिक रिसोर्सिस का यूज़ करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है नॉर्वे यूटिलिटेरियन फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव परसेंट मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड मार्केट यानी वर्ल्ड मार्केट का जो पच्चीस परसेंट मेडिसिन है वो कहाँ से मिल रहा है बायोटिक रिसोर्सेज से ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिव सो पहला रीजन है कंजर्वेशन का दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहने का मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट कॉल एज लंग्स ऑफ द प्लानट बिकॉज इट प्रोड्यूस ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन यानी एमजेन रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं लंग ऑफ दी प्लानट क्यों क्योंकि ये हमारे एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है उसका ट्वेंटी परसेंट कॉन्ट प्रोड्यूस करता है एमेजन रेन फॉरेस्ट तो इसे बचाना कंजर्व करना हमारा दूसरा रीज़न है रीज़न क्यों है क्योंकि ये क्या कर रहा है ये हमें ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो पहला तो नॉर्वे यूटिलिटेरियन रीज़न है दूसरा ब्रॉडली uh, यूटिलिटेरियन नॉर्वे यूटिलिटेरियन क्या क्यों है रीज़न क्योंकि बायोटिक रिसोर्स के मदद से हम यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर बायोटिक रिसोर्स रहेगा तभी हम यूज़फुल प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएंगे प्रॉडली यूटिलिटेरियन जो ऑक्सीजन है वो, उसका बीस परसेंट कौन प्रोवाइड करें अमेजन एंडफॉर तो उसका कंजर्वेशन ज़रूरी है एंड तीसरा इथिक्स है लाइव एंड लेट लिव ठीक है न जियो जी ने दो तो ये सारे रीजन है बायोडावर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेथड ऑफ कंजर्वेशन हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं दो तरह से कंजर्वेशन होता है इन साइड इन सी टू कंजर्वेशन और एक्स सी टू कंजर्वेशन समझ में आ रहा होगा नाम से ही इन सी टू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइड प्रोटेक्शन जहाँ है उसी साइड पर क्या करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एक्स सी टू कंजर्वेशन यानी ऑफ साइड प्रोटेक्शन यानी जहाँ पे है उस जगह से हटा करके अलग जगह पे क्या करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना दैट इज़ एक्स सी टू कंजर्वेशन समझ में आ रही बात इंडिया में हम देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बायोस्फेयर रिजर्व्स यानी फोर्टीन बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं दूसरा नेशनल पार्क नाइन्टी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ फोर हंड्रेड फोर्टी एट हैं सेक्रेट ग्रुप एन में कुछ बायोस्फेयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेक्रेट ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं आपको उन नाम को याद करना है ठीक है ये डेटा आपको याद करना होगा इसके अलावा कोई अदर उपाय नहीं है एक आध दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसलिए एन के अंदर जो भी डेटा है वो आप याद कर लीजिएगा ठीक है तो समझ में आ रही है बात इसका मतलब क्या है कि अगर आप जिस साइड पे ऑर्गेनिज्म है उसी साइड पे आप क्या कर रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसे ऑन साइड प्रोटेक्शन बोलते हो आता है इन इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के अंदर जिसके अंदर हम लोग चार देख रहे हैं बायोस्फेयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड रू ठीक है बायोस्फेयर रिजर्व यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिजर्व नेशनल पार्क उसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एनिमल्स का जो प्रोटेक्शन uh, हो रहा है एंड सेक्रेट ग्रुप्स ठीक है कुछ uh, जनजाति का दैट इज सेक्रेट ग्रुप्स एन सी आर टी में मेन्शंड है एंड अनदर वन इज़ एक्स सी टू कंजर्वेशन यानी ऑफ साइड प्रोटेक्शन यानी बाहर जिस जहाँ पर प्रेजेंट है उसे बाहर ले जा के अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन फॉर एग्ज़ाम्पल बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क जीन बैंक सीड बैंक हर्बेरियम क्रायो प्रिजर्वेशन माइक्रोप्रोवी हर्बेरियम लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं एलवेंथ में बोटैनिकल गार्डन प्लांट्स को uh, किया जाता है प्रोटेक्ट जूलॉजिकल पार्क में जू uh, जू वगैरह सब लोग जानते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जीन बैंक जीन्स को स्टोर करके रखा जाता है सीड बैंक में सीड को हरबेरियम क्रायो प्रिजर्वेशन एंड माइक्रो प्रोपिगेशन तो ये सारे जो प्रोटेक्शन है ये कैसे हैं एक्स एक्सीटू प्रोटेक्शन अब कुछ के बारे में हम लोग देखते हैं नोट करके याद रखिएगा नेशनल पार्क प्लांट एंड एनिमल बोथ आर प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है बट इन सेंचुरी अगर सेंचुरी है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा ठीक है अब देयर आर थ्री जोन्स ऑन बायोस्फेयर रिजर्व बायोस्फेयर रिज़र्व जो कि आ रहा है इन सिटू कंजर्वेशन में इन सिटू कंजर्वेशन में हमने क्या क्या देखा है बायोस्फेयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेट ग्रुप सो बायोसफेयर अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल दोनों रहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल रहेंगे अब हम बात करते हैं बायोस्फेयर रिजर्व के बाहर तो बायोस्फेयर रिजर्व में बेसिकली आपको तीन जोन्स देखने को मिलेगा कौन कौन सा जोन्स देखते हैं हम लोग यहाँ आपको दिख रहा है बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको तीन जोन देखने को मिलेगा वन इज़ कॉल्ड कोर जोन देख रहे हो आप सेंटर में दूसरा होगा बफर जोन और तीसरा होगा मैनिपुलेशन जोन ठीक है ना अब पहला कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड ये एक वैसा जोन है जिसमें किसी तरह का कोई ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉलमेंट नहीं होगा ठीक है दूसरा बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पज़ यानी एकेडमिक्स और रिसर्च पर्पज़ के लिए ही सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होंगे बाकी अदर चीज़ों के लिए नहीं तो इसे हम बोलेंगे बफर जोन एंड तीसरा आता है मैन्यूपोलेशन जोन जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड फॉर विजिटर्स एंड विलेजर्स विजिटर्स के लिए विलेजर्स के लिए यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है ठीक है ना सो so ये तीन जोन किसके अंदर है ये तीनों जोन किसके हैं बायोसफेयर रिजर्व्स के हैं रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिस जोन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा कोर जोन जिसमें थोड़ा बहुत अलाउड होगा एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए बफर जोन और जिसमें पूरी तरह से अलाउड होगा मैनिपुलेशन जोन ठीक है फिर हम देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन इन क्रायो प्रिजर्वेशन गैमेट्स आर प्रिजर्व इन फर्टाइल फॉर्म एट लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है फर्टाइल फॉर्म में ठीक है ना कैसे तो लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज़ माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में और कितना है माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो कैसा रहता है फर्टाइल रहता है याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आता है समझ आ रही है बात ठीक है सो so, हम लोगों ने देखा सबसे पहला बायोस्फेयर रिजर्व नेशनल पार्क तो बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन मिल रहे कोर जोन बफर जोन मैनिपुलेशन जोन नेशनल पार्क में प्लांट्स और एनिमल दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटेक्टेड रहेंगे और बाकी हम लोगों ने अदर जोन के बारे में देख लिया था बोटैनिकल गार्डन के बारे में देखा था जूलॉजिकल पार्क सब ये सब हम लोग समझ गए प्रिजर्वेशन भी समझ गए कि गैमेट्स क्या रहता है प्रिजर्व रहता है फर्टाइल फॉर्म में एट लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस समझ रही बात नेक्स्ट है हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडावर्सिटी का हॉट स्पॉट जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बायोडावर्सिटी देखने को मिलता है अगर आपको अभी जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है तो कोरोना वायरस में बहुत सारे जोनस हैं ना रेड जोन औरेंज जोन ग्रीन जोन तो रेड जोन कैसा जोन है हॉट स्पॉट जोन है उसी तरह बायोडावर्सिटी का भी क्या है हॉट स्पॉट है जहाँ ज़्यादा केसेज़ मिल रहे हैं हॉट स्पॉट कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा केसेज़ कोरोना वायरस का मिल रहा है तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा केसेज़ डाइवर्सिटी के मिल रहे हैं है ना ठीक है सो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे पहला रीजन्स हैविंग स्पीसीज रिचनेस जहाँ पे स्पीसीज़ का सबसे ज़्यादा रिचनेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे हॉट स्पॉट हाई डिग्री ऑफ इंडमिज्म एंड इन डेंजर्ड स्पीसीज आर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट ठीक है इनिशियली 25 बट नाउ बिकम 34 फोर ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड थ्री हॉट स्पॉट इन इंडिया यानी हाई डिग्री ऑफ इंडमिज्म जहाँ देखने को मिल रहा है और इन डेंजर्ड स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ तो आपको पता ही होगा सो इंडमिज़म कहने का मतलब होता है कि जो स्पीसीज़ अगर मान लीजिए इस रीज़न में मिल रहा है इस रीजन के अलावा वो स्पीसीज़ बाकी किसी रीजन में नहीं मिलेगा इस इसी को हम क्या बोलते हैं इंडमिज़म तो हाई डिग्री ऑफ़ इंडमिज़म कहाँ देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ठीक है ना सो हाई डिग्री ऑफ एंड इंडमिज्म स्पीसीज यानी जिनको uh, ख़त्म होने की चांसेस हैं आर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट इनिशियली यहाँ पे कितने थे 25 बट अब कितने हो गए 34 फोर ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड थ्री हॉट स्पॉट इन इंडिया इंडिया में कितने हैं थ्री हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न हिमालयाज एंड इंडो वर्मान सिर्फ श्रीलंका यानी हॉट स्पॉट्स की बात करें इंडिया में तीन हैं याद रखिएगा इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है हॉटस्पॉट्स इंडिया के कौन कौन से हैं वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मा एंड श्रीलंका ठीक है ना ये वैसे रीजनस हैं जहाँ स्पीसीज आपको ज़्यादा मिलेगा इंडमिज्म देखने को मिलेगा मतलब यहाँ इस रीजन में आपको जो स्पीसीज मिलेंगे वो जरूरी नहीं है कि बाकी अदर रीजन्स में मिले ठीक है सो दीज आर द हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया अब यहाँ उस चीज़ को हम क्लियरली समझते हैं इन डेंजर्ड स्पीसीज क्या है वर्ल्ड और रेयर स्पीसीज कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेन स्पीसीज टी इज इक्वल टू ई प्लस वी प्लस आर यानी थ्रेटेन स्पीसीज कहने का मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज वलनरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज इन डेंजर्ड स्पीसीज क्या है विच आर फेसिंग रिस्क ऑफ इस एक्सटिंक्शन यानी जिसको खत खत्म होने के रिस्क हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं इन डेंजर्ड स्पीसीज वलनरेबल स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क टू बी इंक्लूडेड इन इनडेंजर्ड कैटेगरी मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि अब इंडेंजर्ड स्पीसीज में आने वाले ठीक है एंड रेयर स्पीसीज विच आर फेसिंग दी रिस्क टू बी इंक्लूडेड इन वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब ऐसे स्पीसीज जो वेलनरेबल में आएंगे और वेल्नरेबल से फिर इंडेंजर्ड में आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे रेयर स्पीसीज़ समझ में आ गई बात यानी तीन तरह के स्पीसीज होंगे इंडेंजर्ड वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज इन दोनों तो, तीनों के कारण क्या होगा स्पीसीज का खात्मा हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है तो इसे हम क्या बोलेंगे थ्रेटेंड स्पीसीज यानी ख़त्म होने के चांसेस क्या हैं ज़्यादा हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे आई यू सी एन इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स विच आर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ठीक है यानी जो आई यू सी एन है वो क्या मेंटेन कर रहा है विच आर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक में क्या होगा लिस्ट होंगे किसके इंडेंजर्ड स्पीसीज के एंड ऑल्सो हैव पिंक पेजेस फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड ग्रीन डाटा बुक फॉर रेयर स्पीसीज याद रखिएगा रेड डाटा बुक किसके लिए होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए पिंक पेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए यानी वल्नरेबल स्पीसीज़ के लिए एंड रेयर स्पीसीज के लिए ग्रीन डाटा बुक होगा ठीक है यानी विच आर फेसिंग इन डेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्स स्पीसीज किसको बोलेंगे विच आर फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन तो क्रिटिकली इनडेंजर्ड के पिंक होंगे नॉर्मल इंडेंजर्ड स्पीसीज के रेड होंगे और ग्रीन डाटा बुक किसका होगा रेयर एसपीज का ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को सो so, यहाँ पे हम लोग सो so, अगर हम बात करें आ, कि हाउ डू वी कंजर्व एंड वाई डू वी पहला चीज़ तो हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी में देखा हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए क्यों कंजर्व करना चाहिए पहला तो नॉर्वे यूटिलिटेरियन क्यों उसका मतलब क्या है कि नॉर्वे यूटिलिटेरियन कहने का मतलब होता है कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमें कौन दे रहा है वो हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड हो रहा है यानी बायोडाइवर्सिटी से ही मिल रहा है ना तो अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया तो क्या होगा जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे पहले कंडीशन दूसरा कंडीशन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट या ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन हमारे हमको प्रोवाइड कर रहा है तो अगर वो नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना ठीक so, है सो रीज़न्स ये हैं कंजर्वेशन के लिए मेथड क्या है इन साइड इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू इन सीटू में चार इंडिया में है मतलब ऑन साइड प्रोटेक्शन जिसमें बायसफेर रिज़र्व हम लोगों ने देख लिया नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेट ग्रुप जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स ठीक है ये एन सी आर टी में मैंशनड है पढ़िएगा सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में ये भी क्या है ऑन साइड प्रोटेक्शन मतलब जहाँ पर है वहीं पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है एक्स सीटू प्रोटेक्शन इज़ ऑफ साइड प्रोटेक्शन जिसमें बोटेनिकल गार्डन्स ज्योलॉजिकल पार्क जीन बैंक सीड बैंक हर्बेरियम क्रायो प्रिजर्वेशन माइक्रो प्रोपेगेशन ये सारे टेक्निक्स आ जाते हैं ठीक है ना सो ये सारे मेथड्स हैं कंजर्वेशन के फिर हमने देखा बायोडावर्सिटी के हॉटस्पॉट्स को फिर देखा थ्रेट एंड स्पीसीज को एंड इन थ्रेटेंड स्पीसीज में से जो रेड डाटा बुक के अंदर आता है वो इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड पिंक के अंदर आता है और ग्रीन डाटा बुक के अंदर आता है रेयर स्पीसीज ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर यानी यहाँ पे हमारा जो इकोलॉजी है वो क्या होता है ख़त्म होता है सो so बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को डील किया है बायोडावर्सिटी आपको मैंने पहले भी बोला है कि बायोडावर्सिटी जो चैप्टर है वो डेटा बेस्ड है यहाँ जो समझने वाला पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया है एन के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही खत्म किया है तो जो भी कुछ हमने समझाया है एक बार आप एन से रीडिंग लगाइएगा ठीक सो so, यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है अलग अलग लेवल्स बायोडाइवर्सिटी के देखे फिर हम लोगों ने देखा रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन क्या था कि टोटल कितने स्पीसीज थे सेवन मिलियन सेवन मिलियन स्पीसीज में से जो आइडेंटिफाइड थे वो वन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट सेवन मिलियन्स फिर हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स का देखा इनवर्टिब्रेड्स का देखा प्लांट्स का देखा ठीक है नहीं एनिमल्स के में से सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है इंसेक्ट प्रेजेंट है सेवेंटी परसेंट क्या था एनिमल के टोटल का सेवेंटी परसेंट इंसेक्ट था प्लांट्स को अगर देखा जाए तो टोटल तो जो इस्टीमेट है उसे बाईस परसेंट के अप्रॉक्स आपको प्लांट मिल रहा है ठीक है तो ये सारे डेटाज़ हमने इस्टीमेट किए थे फिर हम लोगों ने पैटर्न देखा बायोडावर्सिटी का कहाँ ज़्यादा मिल रहा है कहाँ कम मिल रहा है तो लेटिट्यूटनल पैटर्न देखा फिर स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप देखा जिस जो कि हम बॉल्ट ने दिया था और उसके कारण जो हमें ग्राफ दिखा ठीक है ना फिर हमने राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस देखा जिसमें हमने देखा कि अगर आप अनएसेंशियल स्पीसीज़ को रिमूव करते हैं इकोसिस्टम से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप एसेंशियल यानी प्रोड्यूसर्स को रिमूव करते हो तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है ठीक है फिर हमने बायोडाइवर्सिटी के लॉस का रीज़न्स देखा चार मेन रीज़न था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दूसरा ओवर एक्सप्लाटेशन तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेशन और चौथा को एक्सटेंशन एंड फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का उसमें क्यों कंजर्व करना है इसके पीछे रीजनस पढ़े पहला नॉर्वे यूटिलिटेरियन मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट का हम क्या कर करें जो बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी से हम यूज़फुल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको बचाना ज़रूरी है हमें ब्रॉडली यूटेटोरियन कहने का मतलब डायरेक्ट हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी हमें ट्वेंटी परसेंट के अप्रोक्स कौन प्रोवाइड कराएं वज रेन फॉरेस्ट तो वो भी हमें बचाना ज़रूरी है फिर एथिक्स हम लोगों ने देखा तीसरा रीज़न था एंड मेथड क्या क्या थे दो मेथड इन सी टू एंड एक्सी टू ठीक है अब आपका काम ये है कि जो इन सी टू और एक्ससी टू कंजर्वेशन के जो मेथड मैंने बताए उसमें तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ प्लांट्स को कहाँ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता बस आपको जितने भी नेशनल पार्क है बायोसफेयर बा, रिजर्व्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं थोड़ा बहुत आपको उसके नाम्स याद करने होंगे जो कि एन में कुछ मेन्शनड है कुछ नहीं भी मैंशनड है तो जो इम्पोर्टेंट वन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको आप बस लर्न कर लीजिएगा ठीक है सो so यहाँ पे हम लोग अपना जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वो भी ख़त्म करते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो इकोलॉजी है वो भी ओवर होता है